हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 11 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर हमें ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है और हमें इसको सम चतुर्भुज दिखाना है। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएँ बराबर और समांतर होती हैं। तो ए बी बराबर है सी डी और यहाँ पर बी सी बराबर है ए डी। अब क्योंकि ए एक बाह्य बिंदु है और ए से वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखाएँ खींची गई हैं, ए जी और ए एच। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ए जी बराबर होगा ए एच। कारण में लिखेंगे, बाह्य बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। इसी प्रकार बी एक बाह्य बिंदु है तो हमारे पास हो जाएगा बी जी बराबर बी एफ। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार सी बाह्य बिंदु है तो यहाँ से हमारे पास सी ई बराबर हो जाएगा सी एफ। इसी प्रकार डी एक बाह्य बिंदु है और इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, डी ई और डी एच। तो यहाँ से हमारे पास डी ई बराबर हो जाएगा डी एच। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 3 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब हम समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4 को जोड़ेंगे। तो समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा ए जी प्लस बी जी प्लस सी ई प्लस डी ई बराबर होगा ए एच प्लस बी एफ प्लस सी एफ प्लस डी एच, ये आ जाएगा। अब यहाँ से ए जी प्लस बी जी, ए जी और बी जी का जोड़ हो जाएगा ए बी जमा सी ई जमा डी ई, ये बन जाएगा हमारे पास सी डी बराबर ए एच प्लस डी एच, ये कहलाएगा ए डी। और बी एफ प्लस सी एफ, ये हो जाएगा बी सी। अब क्योंकि ए बी और सी डी बराबर हैं तो यहाँ से हम ए बी जमा सी डी को लिख देंगे, ए बी बराबर है ए डी जमा बी सी। अब इस साइड में हम ए डी को लिखेंगे बी सी, क्योंकि ए डी और बी सी दोनों बराबर हैं। तो ए डी की जगह हम लिख सकते हैं बी सी जमा बी सी। यहाँ से हो जाएगा 2AB बराबर 2BC, 2 से 2 कट जाएगा, AB बराबर BC। तो यहाँ से हमने ये दिखा दिया कि AB साइड और BC साइड बराबर हैं। अब क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी ए बी और सी डी भुजा पहले से बराबर हैं, बी सी और ए डी बराबर हैं। और यहाँ से हमने ये दिखा दिया कि इसकी जो आसन्न भुजाएं हैं ए बी और बी सी, ये दोनों भी आपस में क्या हैं, बराबर। तो इसलिए इसकी चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर। इसको हमने मान लिया 5। तो मैं लिखेंगे समीकरण 5 से, समीकरण 5 से ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर क्या था ऊपर, ए डी, और ए बी बराबर क्या था, सी डी। यहाँ से ए बी बराबर बी सी बराबर ए डी बराबर सी डी, यानी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। प्रश्न संख्या 12 है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं AB और AC की लंबाई क्या होगी, हमें वो बतानी है। तो यह आकृति के अंदर ये एक त्रिभुज ABC है, इसके अंदर एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर।
ये बिंदु डी स्पर्श बिंदु है, बी से डी की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और सी से डी की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर, सी डी अगर 6 सेंटीमीटर है तो सी एफ भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार बी डी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है तो बी ई की दूरी भी 8 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो ये दोनों बी डी और बी ई स्पर्श रेखाएं, इनकी लंबाई बराबर होगी। इसी प्रकार सी डी और सी एफ, ये दो स्पर्श रेखाएं, इनकी लंबाई भी बराबर होगी। हम मान लेते हैं कि ए से एफ की दूरी एक्स है, तो ए से ई की दूरी भी क्या हो जाएगी एक्स, क्योंकि ये दोनों स्पर्श रेखाएं भी आपस में क्या होंगी बराबर। तो हमें सबसे पहले एक्स का मान निकालना है, फिर उससे हमारे पास ए बी और ए सी का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए बी जो होगा, ए बी की लंबाई किसके बराबर होगी, ए बी बराबर होगी एक्स जमा 8। इसी प्रकार ए सी की लंबाई हो जाएगी एक्स जमा 6। तो हमें x का मान निकालना है, x का मान हमारे पास आने के बाद ए बी और ए सी की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पर हमने मान लिया केंद्र O है और त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। मैंने इस पूरे त्रिभुज को, बड़े त्रिभुज को 3 त्रिभुज के अंदर बांट के दिखाया हुआ है। एक त्रिभुज है ओ सी बी, जिसको मैंने हरे रंग से दर्शाया हुआ है। एक त्रिभुज है बी ओ ए या ए ओ बी, जिसको मैंने नीले रंग से दर्शाया हुआ है। तीसरा त्रिभुज है ए ओ सी, जिसको मैंने लाल रंग से दर्शाया हुआ है। तो हम यहाँ पर इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जोड़ किसके बराबर होगा, इस पूरे बड़े त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर। तो दोनों को बराबर रख करके वहाँ से एक्स का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम हीरोन सूत्र होता है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, उसको यहाँ पर लगाएंगे। तो हीरोन सूत्र क्या होता है उसको देख लेते हैं। हीरोन सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ पर एस होता है अर्धपरिमाप, यानी तीनों भुजाओं का जोड़ का आधा अर्धपरिमाप। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं बड़ी त्रिभुज को, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, वो निकालते हैं कितना होगा। इस त्रिभुज के लिए पहले एस निकालेंगे, एस का मान कितना होगा। तो इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई का जोड़ करेंगे पहले। ए सी भुजा, इसकी लंबाई है एक्स जमा 6। ये जो भुजा बी सी है, इसकी लंबाई है 8 जमा 6 14। ए बी की लंबाई है एक्स जमा 8 बटे 2, इसका आधा करेंगे। यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा 2x जमा 28 बटे 2। ये आपके पास आ जाएगा, 2 को मलेंगे ऊपर, x जमा 14 बटे 2, यानी x जमा 14। ये हमारे पास है एस का मान। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो जाएगा वर्गमूल एस, एस हमारे पास है x जमा 14 गुणा में एस माइनस ए। x जमा 14 में से हम घटाएंगे ए, यानी कि पहली भुजा जो है x जमा 6। एस का मान है x जमा 14 माइनस ए, ए हम ले लेते हैं इस भुजा की लंबाई जो हमारे पास है x जमा 6। तो ये हो जाएगा एक्स घटा 6 घटाने पर। फिर है एस माइनस बी, x जमा 14 माइनस बी, इसको ले लेते हैं हम जो हमारे पास है 14। फिर है एस माइनस सी, x जमा 14 माइनस सी, इस भुजा की लंबाई जो है x जमा 8 घटाएंगे तो x घटा 8 हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल आएगा। इसको हल करेंगे आगे, वर्गमूल x जमा 14 गुणा, ये हमारे पास आएगा 8 गुणा, ये हो जाएगा
एक्स, और ये हमारे पास आएगा एक्स से एक्स कट जाएगा, 14 - 8 6, वर्गमूल 48 एक्स गुना एक्स जमा 14, 48 एक्स की 2 जमा 48 एक्स गुना 14, इसको हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको ही छोड़ देते हैं। अब हम निकालेंगे 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जिसको मैंने अलग अलग कलर से दर्शाया है, तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज ए ओ सी, आकृति में देखिए, जिसको मैंने लाल रंग से दर्शाया है, ए ओ सी, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसका आधार हो जाएगा एक्स जमा 6, ऊंचाई हो जाएगी ओ एफ, ओ एफ हमारे पास है वृत्त की त्रिज्या जो हमें 4 दी हुई है। तो यहाँ से इस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, इस त्रिभुज का आधार है एक्स जमा 6 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई हमारे पास है ओ एफ जो दे रखी है 4। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 2 गुणा x जमा 6, या 2x जमा 12, इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, बी ओ सी इसको मैंने हरे रंग से दर्शाया है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार इसका है 14, ऊंचाई है 4। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 1/2 त्रिभुज है बी ओ सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार है हमारे पास 14 गुना ऊंचाई, ऊंचाई है 4 जो वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ से ये हमारे पास आएगा 28 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार निकालेंगे तीसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो हमारे पास है ए ओ बी, ए ओ बी इसको मैंने नीले रंग से दर्शाया हुआ है। तो ए ओ बी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार है यहाँ पर एक्स जमा 8, ऊंचाई हो जाएगी 4। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा आधार है एक्स जमा 8 गुणा ऊंचाई है 4, यहाँ से आएगा 2 गुणा x जमा 8 बराबर 2x जमा 16, 48 x की 2 जमा 672 x वर्गमूल। ये हमारे पास क्षेत्रफल था सबसे बड़ी जो त्रिभुज थी ए बी सी उसका, तो ये यहाँ से बराबर होगा तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर। पहली त्रिभुज थी ए ओ सी, उसका क्षेत्रफल था हमारे पास 2x जमा 12, 2x जमा 12 जमा दूसरी त्रिभुज थी हमारे पास बी ओ सी, इसका क्षेत्रफल हमने निकाला था 28 वर्ग सेंटीमीटर जमा तीसरी त्रिभुज थी हमारे पास ए ओ बी, जिसका क्षेत्रफल हमने निकाला था 2x जमा 16 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 2x और 2x 4x जमा 28 और 12 40 और 16 56, तो 48 x की 2 जमा 672 x का वर्गमूल बराबर होगा 4x जमा 56 के, दोनों तरफ वर्ग करने पर 48 x की 2 जमा 672 x बराबर हो जाएगा 4x जमा 56 का वर्ग, इधर वर्गमूल से वर्ग कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा, यहाँ सूत्र लगाएंगे हम, ए जमा बी का स्क्वेयर बराबर होगा ए स्क्वेयर, यानी 16 x की 2 बी स्क्वेयर 56 का वर्ग प्लस 2 ए बी, या 2 ए बी 2 गुणा 4x गुणा 56। हमने ए जमा बी का वर्ग ये सूत्र लगाया यहाँ पर,
ये हमारे पास हो जाएगा 48x2 जमा 672x बराबर 16x2 3136 जमा यहाँ से 2 × 4x × 56, ये हमारे पास आ जाएगा 448x। 32x2 जमा 224x घटा 3136 बराबर 0। यहाँ से इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, x2 जमा 7x घटा 98 बराबर 0। हमने इस पूरे समीकरण को 32 से डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास इक्वेशन या समीकरण आ जाएगा, x2 जमा 7x घटा 98 बराबर 0। इसको हमारे करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x2, गुणनखंड करेंगे यहाँ पर हम, गुणनखंड हमारे पास आएंगे 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स जमा 14, यहाँ से माइनस 7 कॉमन लेंगे, एक्स जमा 14, ये हमारे पास आ जाएगा बराबर 0 के आएगा। एक्स जमा 14 कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा एक्स घटा 7 बराबर 0। यहाँ से हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आएंगी, घटा के 14 और जमा के 7। अब क्योंकि एक्स हमारे पास दूरी है, तो दूरी नेगेटिव या माइनस में नहीं हो सकती, तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू लेंगे 7, तो एक्स का मान हमारे पास आ जाएगा 7। अब प्रश्न के शुरू में हम मान के चले थे कि ए बी हमारे पास था एक्स जमा 8 और ए सी था एक्स जमा 6। अब हमारे पास जो एक्स का मान आया है वो आया है 7, तो एक्स का ये मान यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो ए बी है उसकी लंबाई हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, और जो ए सी है उसकी लंबाई हो जाएगी 7 जमा 6 13 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 13 को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो चतुर्भुज है इसकी जो भुजाएं हैं, जैसे ए बी और सी डी या फिर ए डी और बी सी, ये केंद्र के ऊपर संपूरक कोण बनाती हैं, यानी कि इन कोणों का जोड़, किन्हीं दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, ये हमें बताना है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं कि सी ओ डी कोण, ये वाला कोण, और ए ओ बी, इन दोनों कोणों का जोड़ हम 180 दिखाएंगे, तो यहाँ से हमारा जो सवाल है ये सिद्ध हो जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। इसमें हमें सिद्ध करना क्या है वो लिखते हैं पहले। सिद्ध करना है कोण सी ओ डी, सी ओ डी जमा कोण ए ओ बी, इन दोनों का जोड़ आएगा 180 डिग्री के बराबर, हमें सिर्फ ये दिखाना है इसके अंदर। तो ये वृत्त का केंद्र ओ है, यहाँ से हमने रचना की है, हमने इनको मिला दिया स्पर्श बिंदु से, इसको हम नाम दे देते हैं ई, इस बिंदु को हमने नाम दे दिया एफ, जी और इसको नाम दे दिया हमने एच। जहाँ से ये हमने केंद्र को मिलाया है इन स्पर्श बिंदुओं से, तो ये एक तरह से हमारी त्रिज्याएं हो जाएंगी। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। हम लेते हैं त्रिभुज बी ओ एफ और बी ओ ई में, इस त्रिभुज में और त्रिभुज में, इन दोनों को हम सर्वांग सिम सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारे पास एफ बी बराबर होगा ई बी, क्योंकि ये दोनों बिंदु बी से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, तो एफ बी और ई बी की लंबाई बराबर होगी। ओ बी है जो दोनों के अंदर है, ओ बी बराबर है ओ बी, ये उभयनिष्ठ भुजा है दोनों के अंदर, तो ये आपस में दोनों बराबर होंगी। फिर ये जो हमारे पास ओ एफ है ये बराबर होगा ओ ई के, ओ एफ क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, ओ ई भी वृत्त की त्रिज्या है, ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से लिखेंगे ये है हमारे पास त्रिज्या, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज बी ओ एफ सर्वांशम होगी त्रिभुज बी ओ ई के, भुजा 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 द्वारा, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांशम हैं, तो ये जो कोण हमारे पास है इसको मैंने नाम दे दिया एक, और एक कोण ये,
दो। तो यहाँ से हमारे पास कोण एक बराबर हो जाएगा कोण दो बाय सी पी सी टी, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। अब इसी प्रकार हम दूसरी त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए ओ ई और ए ओ एच में, त्रिभुज ए ओ ई व त्रिभुज ए ओ एच में, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ए ई बराबर ए एच, स्पर्श रेखाएँ हैं, ए ओ बराबर ए ओ, वो भेनिष्ठ होगी, ओ ई बराबर ओ एच, ये हमारे पास हैं त्रिज्याएँ। ए ओ ई सर्वांगसम होगी त्रिभुज ए ओ एच के, भुजा 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 द्वारा। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी एंगल जो कोण है वो बराबर हो जाएंगे, इसको हमने मान लिया कोण तीन, और यहाँ से यहाँ तक का ये कोण हमारा है चार, तो कोण तीन बराबर हो जाएगा कोण चार सी पी सी टी द्वारा। इसी प्रकार कोण पाँच बराबर कोण हो जाएगा छः। आगे त्रिभुज लेंगे हम सी ओ एफ और सी ओ जी, इन दोनों त्रिभुजों को भी हम सर्वांगसम दिखाएंगे। त्रिभुज लेंगे हम सी ओ एफ और सी ओ जी, तो इसी प्रकार लिख देंगे यहाँ पर भी, इसी प्रकार ये जो कोण हमारे पास है इसको हमने मान लिया सात, और ये कोण हमने मान लिया आठ, कि कोण सात बराबर होगा कोण आठ, तो इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर एक। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर दो। ये समीकरण नंबर तीन और ये समीकरण नंबर चार। अब हमारे पास इन सभी कोणों का जोड़ है वो एक 360 के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा एक सर्कल घूम गया, तो इन सभी कोणों का जोड़ होगा 360 के बराबर। हमारे पास कोण एक और दो बराबर है, तो जहां पर कोण एक है वहां हम लिख देंगे कोण दो, जहां कोण चार है वहां पर हम लिख देंगे कोण तीन, क्योंकि तीन और चार बराबर हैं। कोण पांच को हम लिखेंगे कोण छः, और कोण आठ को हम लिख देंगे कोण सात, क्योंकि आठ और सात बराबर हैं। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा दो कोण दो जमा दो कोण तीन जमा दो कोण छः जमा दो कोण सात बराबर 360 डिग्री। यहाँ से हम दो कोमन ले लेंगे, कोण दो जमा कोण तीन जमा कोण छः जमा कोण सात बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के, और यहाँ से कोण दो जमा कोण तीन जमा कोण छः जमा कोण सात बराबर होगा 360 बटे दो 180 डिग्री। और हमारा दो जमा जो तीन कोण है वो कोण है ए ओ बी, तो यहाँ से कोण ए ओ बी जमा वो जो छः जमा सात है वो कोण हमारा है सी ओ डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और यही हमें इसके अंदर सिद्ध करना था।